तो जम्मू में होता ना, मैं तेरे को बता देता मैं क्या करता। लेकिन तो तू ऑनलाइन धमकियां क्या दे रहा है? तू आना, तू बता लेना, मैं उधर ही होता हूँ। ठीक है, तू आ, ठीक है, आ जा, मैं नेस्कैफे ही हूँ अभी भी। ठीक है, आ तू जम्मू आ, ठीक तो आ ना, आ कल आ, परसों आ। यार मेरे चिल्ला रहे हो, कल भी उसकी वजह से यार, क्या पागल लड़की है यार। लास्ट टाइम इतना बड़ा तमाशा हुआ, चोरी चोरी आप उससे मिल रहे थे। जिसकी वजह से हमारी इतनी लड़ाई हो रही है, अभी भी हो रही है, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। बुलाओ उसको यार, मेरी बात सुनो, मुझे ना आपसे कोई लेना देना रखना, ना मुझे खुशबू से कोई लेना देना रखना, ना मुझे सैम से कोई लेना देना रखना। बात खत्म हो गई, बस मेरा दिमाग अब खराब। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो हो रहा है शुरू जिम से। अभी सुबह मैं आया था बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं थोड़ी बॉक्सिंग प्रैक्टिस दिखाता हूँ अपनी। गाइस पहले मैं रात को आता था जिम करने के लिए, फिर मैंने सोचा मैं बॉक्सिंग मॉर्निंग में करूंगा और जिम रात में करूंगा, बिकॉज फिर मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ना अच्छे से बॉक्सिंग होती है ना अच्छे से जिम होती है। ये रहा मेरा जिम वाला बैग, और बाहर देखो भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये देख रहे हो। अभी कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, वो नीचे चेक करो, वो हमारी सिटी ऑन्डर लगी हुई है, ये देखो अभी भी इस पे बारिश के कतरे पड़े हुए हैं। सो ये है वो एरिया जहाँ पे हम बॉक्सिंग करते हैं, और ये है हमारे कोच सबील भैया। कैसे हो आप? ठीक हो? तो गाइज अभी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर दिखाऊंगा आपको। सो गाइज यहाँ पे चेक कर लो, हमने ग्लव्स पहन लिए, तो सबसे पहले करेंगे हम शैडो बॉक्सिंग, ठीक है, उसके बाद हम पैड्स पे भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग देखो। ठीक है, जिन लोगों को बॉक्सिंग का शौक भी है, वैसे तो मैं अभी बिगिनर ही हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर जितना मैंने 15 दिन में सीखा मैं आपको सिखा सकता हूँ। जो दो मेन पंचेस होते हैं जहां से स्टार्टिंग होती है, वो होते हैं, एक होता है जैब और दूसरा होता है क्रॉस। ठीक है, जो भी बिगिनर बनते हैं वो इनकी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है जैब, देख लो मूवमेंट, देख रहे हो जैब की, ये देखो, और पैर की मूवमेंट दो सुबह पहले, ये देखो अभी मेरे 15 दिन ही हुए करते हुए, पर ये देखो फिर ये है क्रॉस, पहले आपको जैब थ्रो करना फिर क्रॉस थ्रो करना ऐसे, ये देख रहे हो, और ये होता हुक, हुक ये, ठीक है, और ये अपर कट है, ठीक है, ये ऐसे पीछे जाके ये, ठीक है। अभी मैं आपको कॉम्बो करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये और फिर ये आ गया थोड़ा। अभी मैं आपको तीन का कॉम्बो करके दिखाता हूँ, जैब क्रॉस और हुक का, ठीक है, ये देखो, ये आ गया कॉम्बो जिसमें हमने किया जैब क्रॉस और हुक, ठीक है, बाकी आप पैडिंग पे करते फिर दिखाता हूँ। ये चेक करो सभी भाई ने पैडिंग पहन ली है, तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, चलो ये आगे पोजीशन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू चैनल ऑल इन ब्लॉग्स। तो कैसी मेरी YouTube फैमिली, होप सब अच्छे को। तो गाइस देखो आज का ब्लॉग भी शुरू हो रहा है डायरेक्ट अपने घर से। सो गाइस आज देखो भाई कितनी खतरनाक वाली धूप निकली है कि मतलब बंदा ऊपर भी नहीं देख सकता है। दो दिन से तीन दिन से मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया था ना, और मौसम खराब होने की वजह से हमारी KTM RC 390 का नुकसान भी हो गया। यहाँ से चेक कर रहे हो ये टूट गया था, बिकॉज हमारा स्टैंड स्लिप हो गया था बारिश की वजह से। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं खतरनाक सा ब्लॉग बनाने के लिए। आज हम मोटो ब्लॉग नहीं बनाने वाले हैं, हेलमेट मैं साथ ही ले रहा हूँ, बिकॉज क्या पता मैं गाड़ी में ब्लॉग बनाऊँ थोड़ा हेलमेट के साथ। ठीक है, आज मुझे थोड़ा गाड़ी का काम करवाना है, इसीलिए हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं।
आज का जो हमारा ब्लॉग है वो रहने वाला अपनी सिटी होंडा में। तो चलो गाइस अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, बाकी अपनी बाइक सारी यहीं पे लगी हैं, तो चलो भी चलते हैं। ये लगी अपनी BMW GT, ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, इस पे भी जल्दी ब्लॉग बनाएंगे यार, बहुत टाइम हो गया हमें बीमर पे कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। ठीक है, देखो कितनी खतरनाक लग रही है भाई, तो चलो अभी चलते हैं। और गाइस मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से डिस्कस करनी है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लगी अपनी सिटी होंडा, तो चलो अभी इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Much later. गाड़ी को ठंडे होने में आधा घंटा लग गया है भाई, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है ना, धूप चेक करो भाई, दो तीन दिन से मौसम खराब था, मौसम पूरा कसर निकाल रहा है अपनी, और गाड़ी अपनी अंदर से कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी गाइज हम दिल्ली निकलने वाले हैं इसकी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, तो गाइज अभी ना मुझे आप लोगों से दो तीन चीजें डिस्कस करनी थी, और हमारा कैमरा देखो भाई ये टेढ़ा हो गया हुआ है। तो गाइज मुझे आप लोगों को बताना था, आपको पता है सैम वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है, मैं भी सोच रहा था भाई वो बंदा वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो वीडियो डाल रही है, एक्चुअली उसके चैनल पे आ चुकी है स्ट्राइक, आगे सिग्नल रेड है, सारे रेड सिग्नल पे चल रहे हैं, इनको क्या हो गया। तो गाइस ऐसा सीन है, उसको स्ट्राइक आ गई हुई है ना, तभी वो वीडियो नहीं डाल पा रहा, और वो मुझे बता रहा है कि भाई देख मैं कितना अच्छा हूं, मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं। कल मुझे बताया लोगों ने, मैं DM चेक करता रहता हूं ना अपने, तो मुझे DM में बताया कि भाई उस पे स्ट्राइक आ रखी है, वो तभी वीडियो नहीं डाल रहा है। भाई मैं हैरान हो गया कि वो बंदा कितना डिप्लोमेटिक है, मुझे अपनी बातों में कैसे वो उल्लू बना रहा था। वो बोल रहा था देख मैं तेरी इज्जत रख रहा हूं, मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा हूं। मैं भी सोच रहा था भाई इसकी बंदी वीडियो डाल रही है, ये वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है, फिर मुझे कल पता चला कि भाई स्ट्राइक आई हुई है। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा ये सीन है। देखो मेरा सैम के साथ भाइयों वाला सीन था, ठीक है, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, पर यार मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ, मैंने पेशेंस नहीं रखी, मेरे से जो बेस्ट हो सकता था ना मैंने वो किया यार सैम के केस में, पर उसका ना दिमाग ही खराब हो गया। कल भी फोन पे वो बकवास कर रहा था, आपने देखा कैसे मेरा फोन छीन के भाग गया था, इतना मतलब सीन चल रहा है ना लाइफ में, मैं क्या बताऊं। कल मैंने देखा था उसकी गर्लफ्रेंड ने वीडियो डाली थी कि सैम ने ये किया वो किया, भाई मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, देखो अब जिताने वाली बात नहीं है, हमने भी बहुत कुछ किया है, उसने भी बहुत कुछ किया, मैं जिता नहीं रहा हूं कि उसने ज्यादा किया, मैंने किया, मैंने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, बस ये बात है। ठीक है, जहां से स्टार्टिंग हुई है आपको पता है मैंने कितने आराम से उसकी गर्लफ्रेंड को बोला था कि भाई ये कोई जगह नहीं है बाइक लगाने की, ये हटा लो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। ठीक है, वो ही आया, उसने ही, उसके दिमाग में पता नहीं उसने क्या भर के रखा हुआ है, वो आगे सीधा चढ़ गया मेरे ऊपर। चलो जो भी बात हुई यार, अब मैं चाहता हूं कि वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जहां तक बात है वीडियो की, वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा, बिकॉज वीडियो में मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो फैक्ट्स थे जो सच्चाई थी मैंने वही बोली। बाकी सिग्नल हो गया अभी ग्रीन, तो चलो अभी चलते हैं। और गाइस एक और सीन है, मुझे इंस्टा पे बहुत सारे DMs आ रहे थे कि भाई जो अपना एक मोटो ब्लॉगर है वो सबको बॉक्सिंग का चैलेंज दे रहा है। ठीक है, तो भाई बॉक्सिंग हम भी करते हैं, ठीक है, अगर आपको हमारे साथ फाइट करनी होगी, हमारे साथ क्या मेरे साथ फाइट करनी होगी, तो प्रॉपर एक बॉक्सिंग मैच करेंगे। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, ये मैं कोई पोक वोक नहीं कर रहा हूं, एक फ्रेंडली चैलेंज दे रहा हूं, जो आपने चैलेंज दिया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, अगर कहीं भी बॉक्सिंग करनी है, मैं ये नहीं बोल रहा आप जम्मू आके मेरे साथ बॉक्सिंग करो, जगह बता दो, टाइम बता दो, डेट बता दो, ठीक है, तो मैं बॉक्सिंग चैलेंज आपका एक्सेप्ट करता हूं, अगर आपको मेरे साथ बॉक्सिंग करनी है आप कर सकते हो, एक फ्रेंडली चैलेंज है, कोई भी ऐसा पोकिंग वोकिंग वाला सीन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मैं बॉक्सिंग करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग कितने टाइम से कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्टा पे बहुत सारे DMs आ रहे थे कि भाई आप चैलेंज एक्सेप्ट करो, तो भाई हमारी साइड से तो चैलेंज एक्सेप्टेड है, बाकी आप बताओ कहाँ पे मैच करना है, अगर करना होगा बता देना। बाकी गाइस मुझे आज लगता है आज मुझे सारे सिग्नल रेडी मिलने वाले हैं, भाई मेरे 3 सिग्नल पे रुक गया अभी तक, और ये चेक करो भाई ये है हमारा रेडी सिग्नल, देख रहे हो कितना सही लग रहा है। A few moments later. नहीं तू देना, तू दे धमकियां, जो तू धमकियां दे रहा था मैंने कैमरा ऑन किया, अब दे धमकियां बोल। मैं क्या तेरे कैमरे से डरता हूँ? नहीं तो देना धमकियां। तू जो क्या तू जो सैम मेरी बात सुन, तू जो मुझे ऑनलाइन धमकियां दे रहा है ना, ये किसी और को डरा, तुझे भी अच्छा भला पता है ना, जो कर सकता है ना तू वो कर, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ बोल। अगर तू सामने होता ना इस टाइम पे तेरे को मैं अच्छी वाली धमकी देता, लेकिन अच्छा ना उसकी वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा, पहुंच तूने बहुत बड़ा सीन कर दिया वीडियो डाल के। क्या कहाँ आना पड़ा तुझे? क्या सीन कर दिया मैंने? नहीं तू धमकियां क्या दे रहा था, तू धमकियां देना, अभी मैंने कैमरा ऑन किया, तू दे धमकियां मुझे दे बोल। तेरे से जो बन पड़ता है ना, तेरे से जो बन पड़ता है तू वो कर, आ रही है बात समझ? हाँ आया आया चलो। हाँ क्या बोल बोल। हाँ जी बोलो अलियान भैया, आप बोल रहे थे ना कि मैं इस लड़की को ड्रैग नहीं करना चाहता, तो बार बार इस लड़की को क्यों लेके आया बीच में? हाँ हाँ हाँ, तो सैम की बात है तो मैं हमेशा आपको, आप देख इधर मेरी बात, पहले बात करना आप कर लो। हाँ क्या कर, मेरी बात मुझे बताओ, आपने अभी देखा वो बात कैसे कर रहा था मेरे से, ये धमकियां किसको दे रहा है? ये धमकियां क्या दे रहे हो तुम लोग? मैं अगर आराम से बात कर रहा हूँ, तुम लोग धमकियां क्यों दे रहे हो?
भाई देख मैंने तेरे को बोला वीडियो डिलीट कर, सीन है इसके घर पे, अब मेरे को इसके घर आना पड़ा इनको समझाने। अब तेरे को मैं अगर जम्मू में होता ना मैं तेरे को बता देता मैं क्या करता, लेकिन तू ऑनलाइन धमकियां क्या दे रहा है, तू आना तू बता लेना, आ जम्मू में उधर ही मैं उधर ही होता हूँ। ठीक है तू आ आ आ ठीक है आ जा आ जा आ जा, मैं नेस्कैफे हूँ अभी भी। ठीक है आ तू जम्मू आ, ठीक तू आ ना आ कल आ परसों आ, सुन कल आ परसों आ, तेरे पास नंबर है ना, जब तेरे को आना तू आ, ये धमकियां फोन पे मत दे, इधर ही हूँ मैं। ठीक है तेरे जो बन पड़ता तू वो कर, बात समझ आ रही है। आ आ तू आ आ, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। ठीक है सुन सुन सुन, अब दिखाना ठीक है, बोला ना मुंह से अब कुछ करना ठीक है, और मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। ठीक है करता है ना, चल चल अब मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ तू आ आ, मैं वेट कर रहा हूँ, चल चल आ जा। गाइज अभी मैं इससे इतने प्यार से बात कर रहा था ना, इसने अभी मुझे फोन किया, मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, ये मेरे को धमकियां दे रहा है, कह रहा है ये हो गया वो हो गया, अब सीन हो गया लड़की के घर पे, मेरे को पूंछ आना पड़ा। भाई मेरी वजह से सीन हुआ, मुझे क्या पता सीन हुआ। और अब ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, मैं इसको इतना ही बोलूंगा, अगर तू वीडियो देख रहा है ना, अब अगर जो बोल रहा है ना अगर वो नहीं किया ना तूने, फिर देख लेना। मैं इतने दिनों से चुप था, इतने दिनों से मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने कहा छोड़ो यार क्या फालतू में, मेरे मुंह से भी कुछ गलत निकल जाएगा ठीक है, गाली वाली दे दूंगा मैं, पर अब ना बहुत हो गया। ये जो आप धमकियां दे रहे हैं ना, मैं इसको देखूंगा कितना क्या उखाड़ लेता है मेरा। ठीक है तो कोई चक्कर नहीं है, बाकी अभी इसको आने दो, बाकी बातचीत मैं इससे सारी करूंगा। इसको ना मतलब इसका पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया, इसको क्या दौरा पड़ गया, मुझे ये नहीं समझ आ रही है भाई मेरे को धमकियां दे रही है आज। भाई आज जो इसने लिमिट क्रॉस कर दिया ना, इसके बाद मुझे नहीं लगता सैम और मेरा कोई भी मतलब, मैं पहले सोच रहा था यार चलो इसको सॉरी बोल देगा, मैं इसको माफ कर दूंगा, पर आज जो इसने बकवास किया है ना, आज के बाद मेरा और सैम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है हाँ जी, क्या हुआ बजा क्यों रहे हो, क्या हुआ, कौन, खुशबू कहाँ है, क्या हो गया, गाड़ी क्यों बजा रहे हो आके, कर्टन लगाया आपने भाई, तो मेरी गाड़ी में जो मर्जी लगाऊं क्या प्रॉब्लम है भाई आपको, क्या बदतमीजी, क्या मेरा पहले दिमाग खराब है, क्या प्रॉब्लम क्या आपको, मेरी मर्जी जो मर्जी में लगाऊं, गाड़ी क्यों बजा रहे हो आप, मैं जैसी मर्जी बात करूं आप गाड़ी क्यों बजा रहे हो, क्या हो गया, जो भी हो गया मैं अपनी जगह, मेरे को प्रॉब्लम चल रही है कोई, मैं आपको कल भी समझा रहा हूँ, मैं जिस वजह से बात फ्रेंड में लेके, तो मेरे से ऐसे बात करोगे, नहीं फ्रेंड की बात नहीं, आप गाड़ी क्यों बजा रहे हो, मैंने जस्ट खोली गाड़ी है, खोली नहीं आपने, ऐसे ऐसे करके मारी गाड़ी, हाँ, तो मुझे लगा खुशबू अंदर बैठी है, क्यों बैठी होगी खुशबू अंदर, अगर बैठी भी होगी तो आपको क्या इशू है यार, आप अपना काम करो ना, मुझे कुछ मेरे को चाहिए, क्या होना चाहिए जिनत, हर बंदे का ना हर टाइम मेंटल स्टेट वैसा नहीं होता है। ठीक है अभी मैं और बड़ा परेशान हूँ, मुझे परेशान मत करो फालतू में, किस वे से बात कर रहे हो आप मेरे को, आप आते हो बंदा आराम से बात करता है, ये करने वाली क्या बात है, तो मुझे लगा खुशबू अंदर बैठी है, आपको नहीं पता क्या लेना देना आपका खुशबू से, क्या बदतमीजी, क्या मतलब क्या लेना देना है, आपका क्या लेना देना है उससे, आप सभी मेरे पे ऐसे चढ़ जाते हो, आपका क्या लेना देना, हर बंदा आके आपको अलग समझाऊं, सैम को अलग समझाऊं, उसको तीसरी लड़की को अलग समझाऊं, मुझे क्या और कोई काम धंधा नहीं है, आप क्यों सर पे चढ़ाते हो फिर, किसको सर पे चढ़ाया, आपको चढ़ाया सर पे, खुशबू को नहीं, आपकी वजह से आप मेरे पे चिल्ला रहे हो यार, कहाँ है वो, बुला उसको, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं यार, हद होती है यार, मैं सीधे आई हूँ, आप मेरे पे चिल्ला रहे हो यार, यार आ, ये ऐसा से बजा के आ रहे हो, लगा वो अंदर बैठी है यार, जिसकी वजह से हमारी इतनी लड़ाई हो रही है, अभी भी हो रही है, आप उसको डिफेंड कर रहे हो, और यार मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मुझे माफ करो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं रखना, उसको यार मैं नहीं छोडूंगी, मेरी बात सुनो, मुझे ना आपसे कोई लेना देना रखना, ना मुझे खुशबू से कोई लेना देना रखना, ना मुझे सैम से कोई लेना देना, क्या बोल रहे, बात खत्म हो गई बस, मेरा दिमाग अब खराब, लेना देना नहीं रखना आपने, मेरा आधा घंटा मेरा सैम ने सर खाया हुआ है। ठीक है तो उसे मेरे पे क्यों बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, आप प्लीज जाओ यार, अभी मैं बात करने के स्टेट में नहीं हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, फिर बाद में यार उस लड़की की वजह से आप मेरे पे चिल्ला रहे हो यार, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल क्या जाए? निकलेगा गलत निकालो यार, तो दिए यार, है कौन वो जो अभी आ रही है, ओ, उसकी बात ही नहीं है यार, उसकी वजह से आप मेरे पे चिल्ला रहे हो, कल भी उसकी यार, क्या पागल लड़की है यार, लास्ट टाइम इतना बड़ा तमाशा हुआ, चोरी चोरी आप उससे मिल रहे थे यार, मैं कर्टन्स लगे थे, इस बार भी मुझे लगा वही होगी अंदर, इसलिए मैंने ऐसे किया यार, गुस्सा नहीं आता बंदे को यार, उसकी मेरे को बोलने दो, डांटे यार आप मुझे ही डांट रहे हो, उसकी कोई बात ही नहीं है, अभी मेरी सैम से लड़ाई हो रही थी, मेरा तभी मूड खराब है, आप आगे बजाने शुरू हो, उसी की बात है, उसकी वजह से ही हमारी दोस्ती खराब हो रही है, अच्छी खासी चल रही थी ना यार, नहीं सर खाओ अभी, आप बड़ा उसके साइड लेते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको इतनी, यार अभी मेरे पे रहम करो थोड़ा, मेरे से थोड़ी देर बात मत करो, क्या क्यों ना करूं मैं, मेरा भी दिमाग क्यों ना करूं बात, क्या प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो मेरे से शेयर करो, कोई प्रॉब्लम है तो, मुझे कुछ शेयर नहीं करना, मुझे किसी से कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज, उल्टा आप मेरे पे चढ़ रहे,
रहे हो यार। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ, मेरा इस टाइम दिमाग ठीक नहीं है, अभी मेरे से मत लड़ाई करो प्लीज, ठीक है? क्या बदतमीजी है यार अलियान, मैं वहाँ से आपका डांट सुनने के लिए आई थी क्या? तो मैं आपको मैं तभी तो बोल रहा हूँ मेरे से अभी कुछ गलत नहीं है। सीधा आता है यार, चिल्लाओ मत यार, चिल्लाओ क्यों नहीं यार, यार हद होती है हर एक चीज की। खुद चिल्लाया आपने, वो आपको नहीं दिखता, मैं चिल्ला रही हूँ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि भाई अभी मेरा दिमाग खराब। एक डिसीजन लो ना परमानेंट, उसके साथ व्लॉग बनाना उसी के साथ रहो, उसी को दोस्त बनाओ, मेरे साथ दोस्ती खत्म करो। मेरे साथ रहना तो मेरे साथ रहो, उसके साथ दोस्ती। आपको अगर सिंपल चीज बोल दी कि भाई अभी दिमाग खराब है आधा घंटे के बाद, डिसीजन लो। क्या डिसीजन लो? मुझे किसी के साथ नहीं बनानी, मुझे किसी के साथ नहीं बनानी ना, ना मुझे को भी ऐसे बोल रहे हो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो यार जीनत, मेरे को अभी सर दर्द हो रहा है। क्या यार उसके लिए मुझे क्यों बोल रहे हो? वो कहाँ से आ गई बताओ? आपने लाया ना उसको, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। वो है अभी कहाँ से? मेरी एक बात सुनो, अभी उसकी बात कहाँ से आ गई? मेरे लिए क्यों बोल रही है? वो ब्लॉग में जनक है ना, वो हो गई जनी खनी। नहीं अभी क्या हुआ? भी नहीं है मैंने अभी कभी। वो छोड़ो आपके व्लॉग में देखा, पुरानी बात छोड़ो, अभी क्या हुआ? क्यों पुरानी अभी क्या हुआ? अब क्यों बजा ऐसे? क्यों बजा लगा ना, वो अंदर बैठी होगी इसलिए। क्यों लगा ऐसे? लग गया आपको गुस्सा है? आपने चिल्लाया यार, मेरे को आप बजा दिया तो क्या हुआ? मेरे को आप पे चिल्लाना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुझे आपसे बात नहीं करनी। वाओ इतना सारा चिल्ला के मेरे को आप पे चिल्लाना ही नहीं है यार। तो आपको समझाया जब कि भाई लड़ाई हुई है, दिमाग खराब हो गया यार। ठीक है, आप यार कान के पर्दे फाड़ देते हो जीनत, शोर करके। ठीक है, मेरे को भी नहीं बनाना। जाओ जाओ, इसी एटीट्यूड में रहना। जब आपको मैंने इसी एटीट्यूड में रहना, फिर जब मैंने आपको इतना सा बोला कि जीनत मेरे को अभी दिमाग खराब हो रहा है, आप थोड़ी देर रुक जाओ, आधा घंटे के बाद बात कर लेते तो क्या हो जाता? तो चिल्लाया ना आपने, सीधे भी ये चीज बोल सकते थे ना आप मुझे। वो तो यार बंदे का मेंटल स्टेट किसी और वजह से हुआ, तो मेरे को क्यों बोल रहे हो? तो आपको बोलना ना प्यार से, पहले एक मिनट रुको। मैं आपको पता है आपने लास्ट टाइम क्या हरकत की है? एक पहले थोड़ा अपना डेसिबल कम करो यार, मैं सुन सकता हूँ आराम से भी, कान चलते हैं मेरे। ऊपर कॉफी गिरी, आपने क्या बोला? ऐसे बोलो बस, हाँ सॉरी खुशबू, हाँ ऐसे बोलो, कानों में दर्द होगी मेरे। कॉफी फेंकी है, हाँ ठीक है, बोला नहीं उसको, उसकी गलती है। तो आपने मुझे उसके लिए आपने उसको सॉरी बोला, मेरे को बोला सॉरी? यार आपको सॉरी बोलता हूँ मैं, मुझे माफ कर दो, मेरी सारी गलती है, सारी गलती जितनी गलतियाँ हैं सारी मेरी है। आपको खुशबू 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 खुशबू, तो अभी भी उसी को बिठा लो यहाँ पे, मैं चली जाती हूँ, एक डिसीजन लो, उसी के साथ व्लॉग बना लो, मैं रहती ही नहीं हूँ। यार आप घर से निकलते हो, आपको क्या मतलब लड़ना है पूरी दुनिया से? उसकी कोई बात ही नहीं है, मैं अपने बात कर रहा हूँ। आप देखो पहले आपको हुआ क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पे? यार मेरी बात सुनो, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, ठीक है? मेरी उससे सैम से ऐसे फालतू में वो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब आप आके मेरे से लड़ रहे हो, आप भी मेरे से लड़ रहे हो, सारे आके मेरे से लड़ रहे हो, तो मैं क्या अच्छे से बात करूं? लड़ूंगी यार मैं सीधा ही यार, पर मुझे लगा धमधम करके आए आप, मुझे लगा खुशबू अंदर होगी यार, जोर से मारा यार, जब नहीं थी अंदर, पे नॉर्मली आई ना, तो फिर आपने कैसे हरकत की है यार? अगर मुझे गुस्सा होता तो मैं बैठती नहीं अंदर, बट आपको है नहीं वो चीज यार। देखो हर टाइम ना बंदा उसकी वजह से बहुत दोस्ती खराब हो रही है अलियान, मैं को पहले बता देती हूँ। मैं आपको देखो आराम से बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने आप उसके साथ बनाना, पहले मुझे बोलने तो दो, मैंने आपके साथ बनाना ही नहीं आज के बाद। मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना आपको, अब आप बोल रहे हो सॉरी बोल रहे हो, थोड़ी देर बाद फिर चलाओगे? ओ यार तो तब दिमाग खराब हो रहा था ना मेरा, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ कि मैंने आपको जोर से बोला, पर आप सुनते नहीं हो। आपको अगर मैंने प्यार से बोला एक मिनट रुक जाओ जीनत, मेरे को थोड़ा दिमाग अभी खराब है, इस टाइम मेरे साथ बहस मत करो, तो आपको समझ जाना चाहिए। हाँ भाई अगला तो बंदा मतलब ये थोड़ी ना यार, आप कुछ भी बोलोगे? कुछ भी क्या बोला मैंने? उसको, आते आप आते खुशबू यार, उसी की वजह से लड़ाइयां हो रही है यार। आपको उस लड़की से इतनी प्रॉब्लम क्या? आप एक मुझे बताओ, आपको उस लड़की से इतनी प्रॉब्लम क्या? क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत बुरा बोला। क्या बुरा बोला उसने मुझे? जना खाना क्या हो गया बोला? उसके बाद जब लड़ाई हुई है मेरी उसके साथ, कैसे बोल रही थी आगे से वो, कैट फाइट मत करो, ये क्या बोल रही थी वो? यार मेरे को नहीं पता यार, होती कौन है वो मेरे को ऐसे बोलने वाली, और आपके सामने बोल रही है, और आप देख रहे हो मुक्का मारो उसको, क्या करूं? पॉपकॉर्न लाओ, एक काम करो पॉपकॉर्न लाओ खाओ, तो मुक्का मारो उसको, अब क्या बोलूं उसको? मुंह से ही बोल सकता आपको, जैसे आपको जैसे मुंह पे चिल्ला सकते हो, उस पे चिल्ला नहीं सकते, उसके आगे कुछ नहीं चलता आपका। यार जीनत आप हमेशा से ना हाई डेसिबल पे बात करते हो, अब बंदा अगर आराम से बात करेगा तो उसको आराम से समझाऊंगा, वो चीखेगा तो मुझे भी चीखना पड़ेगा अब आपको समझाने के लिए। आप आते ही चीखने शुरू हो जाते हो, पहले बात समझो क्या हो रही है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। आपने चलाया, मैंने बस ऐसे तो आज तो चलो मेरा दिमाग खराब है, मेरा मूड खराब है आज, हो सकता है। आप हर टाइम ऐसे ही करते हो, एक वो पागल दिमाग खराब कर रहा है मेरा ऐसे बिना बात का, आप ऊपर से और मिर्च मसाला लगा रहे हो, मैं भी तो इंसान हूँ भाई, मैं कितना सुनूंगा? उसने क्यों मेरे बारे में ऐसे बोला यार अलियान? तो क्या करना, मर्डर कर दूं उसका? क्या करूं अब? उसी के साथ रहो फिर, उसी के साथ व्लॉग बनाओ। अच्छा एक काम करते हैं हम, पता क्या करते हैं, अभी बात नहीं करते,
थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को स्टेबल होने दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। अभी क्या कभी बात ही नहीं करते हैं, मर्जी आप। लेकिन एक बात मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे अगर वो लड़की कहीं दिख गई, अरे यार मुझे नहीं बोलना, फिर तू ये कर देती वो करती, अभी तक जो मैंने किया ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। जान से मार दूसरे, मार दो एक दूसरे को, क्यों वो क्यों मुझे हाथ लगाएगी, मैं उसकी जान निकाल दूंगी, मैं उसको जान से मार दूंगी, मार दो जान से, उसको जान से मार दो, मुझे दिख ना जाए कहीं, मैं स्कूटी के नीचे ले आऊंगी उसको, वैसे भी मेरा पारा बड़ा हाई है, अभी मुझे आधा घंटा, उसकी वजह से नहीं मैं नहीं आऊंगी, ठीक है मत आओ, मैं अभी बार बार नहीं मनाने वाला हूँ यार, बहुत हो गया, ठीक है ओके, ठीक है। ये चीज याद रखना, उसको बोलना कि दोबारा नहीं दिखे मुझे आपकी तरह, तो बिल्कुल भी मत, मेरी कोई चाचा की लड़की, मेरी कोई नोन नहीं है, अगर नोन नहीं है ना तो इधर साइड नहीं लेते आप, साइड ले रहे हो ना, तो ऐसे बचपन की दोस्त है, कोई प्रायोरिटी दे रहे हो उसको, मुझसे ज्यादा ऊपर प्रायोरिटी है वो आपकी। अब रोने का नाटक करो, और देखो बाहर रोना शुरू हो गई है, क्या बंदा बोले इसको, हाँ हो गया शुरू हो गया रोना आपका, रोना स्टार्ट हो गया, नहीं रोना स्टार्ट हो गया, मैंने क्या किया रोने वाला, क्या मैंने क्या किया ऐसा जो आप रो रहे हो, आपको बहाना चाहिए बस, मुझे बहाना चाहिए, हाँ आपको चाहिए। आपको बहाना चाहिए रोने का, खुद आके डब डब करके बजा रहे थे उसको, आपने किस तरीके से बात की, और मेरा यार, और यार क्यों मेरा सर खा रहे हो जीनत यार आप, अच्छा बैठो आराम से हम बात करते हैं, मेरे को 10 मिनट दो, मेरे को थोड़ा स्टेबल होने दो, फिर हम बात करते हैं, ठीक है, ये रोने का नाटक मत करो, आप बैठ जाओ अंदर, गाइज मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, क्या कैमरा बंद कर दो, हर चीज शूट करने वाली नहीं होती है।